नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में, आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हर रोज कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। कभी अजीत पवार की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तो कभी शिंदे सरकार गिरने की बात कही जाने लगती है। और इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपनी पार्टी में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। इस बदलाव को भतीजे अजीत पवार की पावर में कटौती के रूप में देखा जा रहा है। आखिर क्या है ये बदलाव? क्या एनसीपी में कुछ बड़ा होने वाला है? रिपोर्ट देखिए। अजीत का कद घटाने की तैयारी, रोहित का पद बढ़ाने की बारी। एनसीपी में पावर का गेम, आगे किया पोते का नेम। बड़े पवार ने पलट दिया रोटी, महाराष्ट्र में अब नई सियासी गोटी। महाराष्ट्र की सियासत में हर दाव चले जा रहे हैं, हर सियासी पेच को जरूरत के हिसाब से टाइट और ढीला किया जा रहा है। प्रदेश में इस वक्त शरद पवार की एनसीपी सियासत के केंद्र में है। पार्टी के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार सुर्खियों में। अजीत पवार का बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने की चर्चा जोरों पर है। अजीत पवार को प्रदेश का भावी सीएम तक बताया जाने लगा है। लेकिन इसी बीच बड़े पवार यानी एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बड़ा दाव चल दिया है। ये ऐसा दाव है जिससे माना जा रहा है कि पार्टी और प्रदेश में अजीत पवार के कद को घटाने की तैयारी शुरू हो गई। दरअसल शरद पवार ने पार्टी में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। इस बदलाव के तहत शरद पवार के पोते रोहित पवार को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शरद पवार के कहने पर एनसीपी अपने युवा विधायक रोहित पवार का नाम राज्य विधानमंडल में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के पद के लिए भेजी है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो रोहित पवार का कद पार्टी के साथ साथ राज्य की सियासत में भी बढ़ जाएगा। रोहित पवार के लिए भी काफी ये अहम जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही रोहित पवार का कद बढ़ाने के लिए पहला कदम हो सकता है। आप देखिए, रोहित पवार के उसी फैमिली से है, पवार फैमिली या पवार परिवार का, या परिवार खुद परिवार पवार का उन पर बड़ा हस्त है। उनको ये महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ाए गए और अपने क्षेत्र में काफी जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे हैं और अभी उनको विधानसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह पद विधानसभा में विपक्षी पार्टी को दिया जाता है। ये पावरफुल, काफी पावरफुल पोस्ट है, पद है और इनके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाने के बाद ये साबित हो गया कि शरद पवार की पार्टी या शरद पवार खुद, यदि सुप्रिया सुले के बाद यदि उस पार्टी में किसी का वर्चस्व है तो वो है रोहित पवार का।